कल जो है हमारे मतलब जो वहाँ पे रुपाई वाला खेत था वहाँ पे रुपाई होने वाली है कल। तो आपने जैसे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि सारी महिलाएं जो है मिलजुल के वहाँ पे काम कर रही थी। तो हम लोगों ने क्या किया कि कल रुपाई है तो कल सुबह टाइम मिलेगा नहीं किसी को, तो जो मेरे पिताजी उन्होंने और माताजी ने सोचा कि सबके लिए हम लोग जलेबी बनाएंगे। और हमारा जो है फैमिली का जो बैकग्राउंड है सब लोग मतलब हॉस्पिटैलिटी बिजनेस से है। पापा की जो है पहले शॉप थी, चाचा जी भी शॉप है गैरसैन में, और हम खुद ही एक होटेलियर है। इसमें जो है खमीरा है और ये मैदा है, ये कल रात को बनाया था हमने। क्या क्या पड़ता है इसमें इसमें मैदा खमीरा में? थोड़ी भी गर्म। हाँ, ये जो ये खमीरा है इसमें मैदा, और मैदे के बाद इसमें ये गर्म पानी में घोल लें इसको। तो इसको कम से कम 10-12 घंटे रखना हाँ, पड़ता है। 12 घंटे जो इसको गर्मी चाहिए इसको, उसके हाँ, बाद ये तैयार हो तो ये जाता पक जाता है पूरा इसके अंदर। और इसमें ये है। हाँ, मिक्स बना रहे हैं, इसमें मैदा, मैदा खमीरा, प्लस कलर। कलर और सोडा डालेंगे थोड़ा सा, जिससे हाँ, थोड़ा हल्का सोडा डालेंगे ये इसमें। हमारी चाशनी बन के रेडी हो चुकी है। इसका पहचानने का तरीका ये होता है, अगर चिपक गया तो ये समझ लो ओके है, नहीं चिपका तो अभी भी इसको ज़रूरत है और शायद रेडी है। इसमें जलेबी बनाने के बाद डालते हैं जलेबी वगैरह, और फिर थोड़ा देर रखने के बाद इसमें बनती है अपनी जलेबियाँ। तो हमारा प्लान है कि जितने भी वहाँ पे महिलाएं हैं सबको कल जलेबी दिया जाएगा, क्योंकि भाई अपना फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस यही है तो अच्छा भी होता है, जलेबी देना शुभ होता है, मतलब अच्छा लगता है, समथिंग डिफरेंट आप दोगे तो सबको अच्छा रहेगा। मैंने जो है उसके बाद मैंने दिखाया आपको कितनी बारिश हुई थी यहाँ पे। अभी उसके बाद मैंने एक टाइम लैप्स लिया है, बहुत ही सुंदर, आप देखिए बादल मतलब ओहो हो। ये जैसे मैंने कल बताया था, कल हमने थोड़ा सा जलेबी बनाई थी, आज भी जैसे कुछ हमने आलू वगैरह उबाले थे, और अभी जो है यहाँ पे रोटियाँ बन रही है, कुछ जलेबियाँ हमने फिर से बनाई। मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ जलेबी हमारे पिताजी ने फिर से बनाई है क्योंकि कम पड़ गया था कल, तो इस वजह से आलू की रोटी बनाई है। दादाजी कौन खाए? और आपके जमाने में रुपाई कैसे होती थी? आजकल कहाँ ऐसा, आजकल तो लोगों ने खेत बंजर डाल दिए हैं, आजकल तो बहुत अलग हो गया ना। पहले तो लोग हम जैसे रुपए में जाते थे, जब रुपए में हम लोग जाते थे तो मतलब अपना शौक रहता था, थोड़ा सा रुपाई, थोड़ा सा खाना पीना, बहुत मज़ेदार होता है, स्वादिष्ट होता है रुपए के टाइम पे। तो हमारी आदत थी भाई 7 या 8 रोटी से नीचे नहीं खाना है, बात ही नहीं होनी है। आज के ज़माने में मतलब कहाँ दो तीन रोटियाँ बस लोग ऐसी, फिर क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे खाना लोगों का थोड़ा कम हो गया है पहले के मुकाबले, तो वही खान पान रुपए वगैरह सब आँच दिखाएंगे आपको वीडियो में। कपिल भी जा रहा हमारे साथ, सिक्के चले बनाना, डुबाना सीख गए, बनाना नहीं सीखे? तो कैसे डुबाते हैं? एक वो जैसे पकड़ते हैं, क्या बोलते हैं, छाछे दी, हाँ, और एक भजा रहता है, हाँ, उसमें जलेबी डालते हैं उसके ऊपर से। बन गए? कितने किलो जलेबी बनी टोटल? 4 किलो बन गए। किधर कौन से दाल के बोला किधर कौन से? ये हमारी चाय बन रही है यहाँ पे, तो हम लोग चाय वगैरह बना रहे हैं। अभी जो है चाची मम्मी सब जा चुके हैं रुपाई के लिए, और हमें भी कुछ थोड़ा बहुत सामान ले जाना है, और बस हमें 2 थैला ले जाना है। चाय बन चुकी है और हमने भिजवा दिया है, 1 थर्मस बाकी है, वो मैं ले जाऊंगा। चलते हैं आगे। सो फाइनली जो है अभी हम लोग अपने शरा पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे मतलब सारी महिलाएं काम पे है। हमारा खाना खुना सब लेके आया था मैं, और हमारी दादी जी भी है यहाँ पे। दादी जी रुपने लगने, अच्छा अच्छा चलो बढ़िया बढ़िया, पहले लगी ना यू, चलो ठीक 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 लगा लगा। हाँ चलो, महिलाओं की देखता हूँ क्या कर रहे हूँ, कितना कितना काम कर रहे हैं देखना पड़ेगा ना। और ऐसे ये मींड रखता है पानी का डीप पे, इसको आप मतलब इससे क्या होता है पानी रुक जाता है और आगे नहीं जाता है, तो ये रुपए की प्रक्रिया होती है। और हमारे जो हल लगाने वाले हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि कैसे क्या होता है, और वो बताएंगे पहले क्या लगता है उसके बाद क्या लगता है। ये वहाँ जाना है हमको, हम लोग ये जितने भी हैं यहाँ पे बिजोड़ इसको सब फेंक रहे थे, यहाँ पे सार रहे थे, तब तक मैंने वीडियो नहीं बनाई, अब चालू किया है। ये महिलाएं हमारे गांव की कारगर महिलाएं, कुछ महीनों बाद यहाँ पे जो है चावल वगैरह उग जाएंगे, अब कब तक उगेंगे ये पता नहीं, 2 कट्टे तो होंगे आशा लग रहा है, 3 हो जाएंगे।
अच्छा 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 मम्मी मम्मी सुबह से उठ गए 4 बजे से, जलेबी हलेबी बना दिया। आज तो उठाऊँ 4 बजे से, चाय बनाई मैंने, 3 मग्गा पानी भरा मैंने और आटा गूंदा मैंने 2-2 बार। लोगों ने तो व्हाट्सएप पे भी डाल दिया, बताओ। तो इन्होंने जो है वहाँ से शुरू किया सुबह, और अभी ये सारा जो है ये लगाएंगे इधर सारा यहाँ तक, और एक एक हमारा खेत वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी दिखाऊंगा आपको मैं। जो कल जलेबी बनाई थी वो ये है, इसमें रोटियाँ वगैरह पानी वगैरह सब है व्यवस्था। एक लेडीज़ पार्टी किटी पार्टी यहाँ पे चलेगी अभी थोड़ी देर में, दिखाऊंगा। और आज रोपाई के लिए हमारा बगीरा भी आया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए बगीरा। अच्छा बगीरा, अच्छा अच्छा बगीरा, बगीरा अभी अभी हुआ था, भाग रही थी यहाँ पे लोमड़ियाँ, और ये पूरा यहाँ से भागते थे, पूरा जंगल इतना तेज़ भागा क्योंकि इसको भाई अपने तरह के लोग चाहिए ना, लोमड़ी वगैरह सब तो आए हुए थे। बगीरा बगीरा आजा, आजा बगीरा, आजा बगीरा। और ये देखो कपिल अपने तिल्लू भाई साहब, जो आपने कल वीडियो में देखा होगा, और वो पुदीने की चटनी बन गई रखी है। ओहो हम तो आए नहीं, एक ऑर्डर रखी है, आज लेंगे दिन में। अच्छा यहाँ पे भाई साहब हैं, प्रेम सिंह भाई साहब, जो मतलब गांव के जितने भी खेत वगैरह होते हैं सब इनके कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। यहाँ पे ये भाई साहब सारा खेत जो है, जितने भी हमारे खेत हैं गांव के, जितने भी मतलब जो खेत हैं बड़े बड़े, सब इनके कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। और आपका अभी बताइए आप लोगों को कि इस रुपाई के बारे में पहले क्या लगता है? हल लगाया। अच्छा हल लगाया, उसके बाद? उसके बाद साना लगाया। साना जो लग रहा है अभी, जो लग रहा है, उसके बाद बराबर करना है, उसके बाद बराबर करना है। तो उसके बाद महिलाएं जो है सारी वो रुपाई वगैरह करेंगी, और हम जो है साइड का मीन ही लगाएंगे ना, लगाएंगे। सोना मतलब इसको बराबर करने के लिए होता है यहाँ पे। और तब तक भाई साहब जो है अपने फूक रहे हैं, और हम लोग तब तक यहाँ पे लगाते हैं। तो अभी जो है सब कुछ काम होने के बाद दिखाऊंगा आपको कि कैसे महिलाओं का किट्टी पार्टी होता है, जो उत्तराखंड के जो देखा होगा जिन लोगों ने उनको पता होगा, बाकी जो नए हैं बाहर से हैं दिखाता हूँ भाई। और फिलहाल आप ये देखिए तब तक कितना अपना हरा भरा है। सुनियाना गांव ये है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये देखिए सुनियाना गांव, और ये हरा भरा, ये वादियाँ, और ये चाय की चुस्कियाँ। चाय की चुस्की लगा दी। जब तक ये आपका सौण लगता है, सौण बोण बराबर करने के लिए, आप इसका ब्यूटीफुल टाइम लैप्स देखिए, क्योंकि हमें टाइम लैप्स बहुत पसंद है। बादलों का आपने देख लिया होगा, देखिए इसका। ऐसे हाल हो जाते हैं रुपाई की बात, ये मतलब आदमी बराबर लगना चाहिए कि रुपाई ढंग से हो रखी है, तब जाके लगता है गेहूँ बराबर 2 की जगह 3 कट्टा आएगा बराबर। आप लोग बोल रहे हो कि भाई क्यों मैं क्यों नहीं लगा रुपाई, ऐसा है ना कि मतलब मैं अगर इस पे छेड़ दिया तो वो बराबर होगा नहीं। अभी एक्सपीरियंस बंदे हमारे संग भाई साहब, तो ये ज़्यादा बेटर कर पाएंगे उसको, इसलिए हम चाय पी रहे हैं। ये है ऐसे मिंट बोलते हैं इसको, ताकि जो पानी यहाँ भरे तो भर ना जाए, इसके लिए लगाया जाता है। और ये सारा हो गया है, वो वाला खेत भी हो गया पूरा, और ये वाला भी हो गया अभी, और यहाँ पे फिनिशिंग हो रही है सबका जो है, खाना हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए जलेबी है, ये है दाल है, आलू की सब्जी है, अचार है। सबसे बढ़िया क्या बना? चीनी बना है, है? जलेबी बहुत अच्छी, दाल भी और गुटके। दाल? हाँ, दाल अच्छा। चाची सबसे बढ़िया क्या बना है? आलू के गुटके। आलू गुटके सबसे अच्छी रोटी हो रही है। मैंने बना रखी है। मेरी क्या कैसे काली रोटी है, अच्छा रोटी कब है? अच्छा ये बारिश भी आती हुई बहुत तगड़ी, और कोई नहीं बिकते हैं। उस तरफ से जो है पूरी बारिश आ रही है, भी करते हैं अपना कुछ खाते पीते हैं। सो फाइनली जो अपना जो शहर है उसको जो है गुड बाय का टाइम, गुड बाय बोलने का टाइम हो चुका है, क्योंकि अभी सब ने खाना खुना खा लिया, काम सब हो गया है, कुछ कुछ महिलाएं जा चुकी है, और हम भी 2 थोल पकड़ के निकलने वाले हैं। आंखों में मतलब कैद कर लेता हूँ, ये जो शारियाँ हैं पता नहीं अगले साल, हर साल लगती है, एक एक साल बाद रुकने लगती है, तो अब पता नहीं कब, अगले साल ही होगा जो होगा। ये खूबसूरत नज़ारे ये देखिए बादलों के, पहाड़ों के। अगले साल भी आएंगे, अगले साल रुपाई होगी ना तो तब भी आएंगे। ओके अब चलते हैं घर, क्योंकि भाई देखो हालत ऐसी हो रखी है एकदम, मतलब आप देख सकते हो ये पूरी मिट्टी मिट्टी जैसी हो रखी है। तो ज़िंदगी में ना अगर आप कभी भी मतलब ऐसी जगह बहुत कम घूमे हो, वहाँ पर बहुत कम गए हो, तो हमेशा याद रखो कि उस जगह को आप अपनी आँखों में कैद कर लो,
क्योंकि पता नहीं वो आप दोबारा जाओगे नहीं जाओगे। इसी मैंने तब सीखी थी जब मैं नैनीताल में शूट करने गया था और मैं लेक के सामने खड़ा था रात को 7 के आसपास, तो वहाँ पे जो भाई ब्यूटी होती है ना सामने एकदम, मतलब पानी सामने और लाइटें चमक रही है, तो आज मुझे वो पल वो टाइम अभी भी याद है। तो इसलिए आप कहीं भी जाते हो ऐसी जगह पर जो आपने पहले देखी ना हो और बहुत सुंदर लगती हो, तो उसको ज़रूर अपनी आँखों में कैद कर लें एक मेमोरी की तरह, अच्छा लगता है, इट्स गुड। जो है अभी शॉर्टकट रास्ते आ रहे हैं, हमारे साथ ये दो महिलाएं हैं जो मतलब गांव की, हमारी एक हमारी जो है बुआरी है क्योंकि हम यंग ससुर हैं, और पीछे हमारी एक भाभी जी हैं, तो इन्होंने हमको रास्ता दिखाई है शॉर्टकट रास्ता जो कि जंगलों से होते हुए अपने गांव तक पहुंचेगा। ये अपना जो है गांवली गांव है, गैरसैंण क्षेत्र का एक बहुत फेमस गांव है कह सकते हो, मतलब ये है गांवली गांव। अब देख रहे होंगे यार पसीना पसीना हो रखा जा रहा, क्योंकि भाई अभी जाएंगे घर में थोड़ा फ्रेश होंगे, नहाएंगे धोएंगे। हमारा जो है अंखौड़ा बोलते हैं इसको, क्यों बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पहले अखरोट के पेड़ हुआ करते थे, बट शायद अभी नहीं है शायद खत्म होंगे, तोड़ दिए होंगे। बट यहाँ पे क्या होता है, जो भी शादियाँ होती है तो दुल्हन जब आती है हमारे गाँव में यहाँ पे, तो यहाँ पे इस मंगेरे पे जरूर आती है इसका पानी पीने के लिए, और यहाँ से एक पेड़ भी है जहाँ पे मतलब वो कुछ सुबह अगले दिन शादी के वहाँ पे रखती है अपना शायद कुछ प्रसाद वगैरह क्या होता है, अब इतना मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, बाकी तो पता नहीं है। पानी देखिए यहाँ पे ठंडा पानी, इतना ठंडा कि पूछो मत बाबा, और इसका जुगाड़ भाई पूरी टंकी बनी हुई है, ये अंखौड़ा अपना अंखौड़ा मतलब अंखौड़ अखरोट का पेड़, देख रहे हो आप चूंक, ये देखो यहाँ पे इस मंगेरे की खासियत है, यहाँ पे पेड़ पैर पे ये लगते हैं, ये देख रहे हो कैसे चलता है ये जुंक, ये तो भाई खून बहुत निकालता है, इससे बढ़िया इसको फेंक दो और भी बहुत होगा, अभी देखेंगे घर पे कि कहाँ पे है, क्योंकि इनका भरोसा नहीं है कहीं भी आ जाते हैं। अभी हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं और आपको अच्छा लगा होगा रुपाई की वीडियो, और कोशिश की थी हमने कि आपको अच्छा लगे, और काफ़ी अच्छा था रुपाई का आज का जो मतलब हमारा था, साल में एक बार होती है रुपाई, तो हमने कहा चल लेते हैं कुछ शूट कर लेते हैं, आपको भी थोड़ा देखने को अच्छा लगेगा और हमें भी सुकून मिलेगा कि हाँ भाई हमने रुपाई की थी अपनी, और क्योंकि चावल खाने ना घर के भाई। मैं चीज़ दिखाता हूँ, ये घर के सामने हमारा खेत है और खेत पे यहाँ पे मुंगरी लगी है, मुंगरी होती है ना मक्का कौन, ये देखिए ऐसी होती है मुंगरी के पेड़ लगे हुए हैं, और ये मुंगरी का जो है इसको मुंगरी की दाढ़ी या जूँव उसमें क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं शायद, ये फूटने बैठ गया, मतलब अब इस पर मुंगरी उगना चालू हो जाएगी। जिस टाइम हम लोग खाना खा रहे थे वहाँ पे अपने रुपाई के सामने, तो अचानक से इतनी बारिश आई और हमने जितनी जलेबियाँ रोटियाँ वगैरह बनाई थी सब कुछ गीला हो चुका था, बट हमने ऊपर परमात्मा का नाम लिया कि बारिश रोक दो, तो बारिश रुक गई, उसके बाद हमने खाना चालू किया। उस वहाँ पे मैं शूट उसके बाद कर नहीं पाया इस वजह से थोड़ा, क्योंकि कम कैमरा वगैरह सारा पैक कर दिया था। तो फिलहाल चलते हैं, थोड़ा फ्रेश होता हूँ, नहा धो लेता हूँ, बहुत गंदा हो चुका है ऊपर नीचे सब जगह। बगीरा जो चिड़ियों को छोड़ता नहीं है, यहाँ पे एक चिड़िया है सबसे ऊपर वो दिख रही होगी आपको छोटी वाली, इसको जो है मतलब चिड़ियों को तो रहने नहीं देता यहाँ पे बगीरा। ये हमारे दादाजी हैं, वॉक पे हैं। दादाजी क्या खबर है आज की, और रामदेव बाबा की दवाई क्या हुआ? रामदेव की बाबा की पता नहीं क्या हो गया, सुना था हो रही हो सक्सेस, पता नहीं है बड़े डॉक्टर के पास था चलेगा पता। अच्छा बड़े डॉक्टर बताएगा उसके बारे में, कैसे लगा आपको रुपाई में जाके? क्यों 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 वहाँ कचार हो गया था, कचार में ऐसी होता है ना, कचार ही तो होता है और क्या होता है, रुपाई में थोड़ी तुमको सोफे में बैठ के वहाँ बोतने हैं जोतने हैं, तुम गए कभी रुपाई में? नो, तुम्हारे वहाँ होती है कभी मैं खोली साइड रुपाई? नहीं। ओहो, तो कभी आना हमारे सोनियाणा में, ठीक है। नहा धोने के बाद थोड़ा सा फ्रेश हो चुके हैं और सब लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं, हमें भूख नहीं लगी है कि हमने बहुत रोटी खा ली थी 4-5। ये हमारी नानी जी आए हुए हैं आज, नानी जी ने खाना खा लिया आज, देखो कैमरे में पहली बार नानी जी आई हुई है। ये हमारी माता जी है, ये पापा जी है, ये हमसे पहले पहुँच चुका था, ये देखो। तो अभी ज़रा आराम करते हैं, फिर शाम को उठते हैं क्योंकि बहुत थक चुके हैं भाई। और ये देखिए फिर से बारिश, मतलब जब भी खाना खाते हैं फिर से बारिश हो रही है। मैं अभी उठाऊँ थोड़ी देर पहले, और यार अच्छी नींद आई, बहुत मीठी वाली नींद आई थी आज। 4 बज चुके हैं, चाय पीने का हमारा टाइम है, और बच्चे लोग जो हमारे यहाँ पे मेहमान आए हैं मैखोली गाँव से, और ये देखिए इन्होंने यहाँ पे मैगी बनाई है, ये है पहाड़ की मैगी। जी दिखाना जरा, हम भी चाखें। तो चाह खाने से खाने जी, 3 बार दो चम्मच चावल खा रहे थे, स्वाद ओहो स्वाद ऐसा था, ऐसे देखो ऐसे निकलते हैं। इन्होंने ज़्यादातर वो बनाया तीखा कर दिया है ना, ठीक है। माँ जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग, कभी कहाँ से गुड मॉर्निंग।
और आज हमारे यहाँ जो स्पेशल बना है मैं दिखाऊंगा क्या दो चीज स्पेशल बनी है हमारे यहाँ क्या क्या बना है एक मच्छी हाँ देखेंगे आप मच्छी का मैंने वीडियो डाला है दोबारा मत बोलना कि वीडियो नहीं डाला आप देख लीजिए मैंने जब पकड़ेंगे फिश तभी तो बनेगी डिश वाली वीडियो पाँच छः वीडियो पहले होगी फिश की प्रॉपर कैसे हम पकड़ते हैं उसके दिखाई है मैंने आज दिखाऊंगा कि हमारे जो पिताजी हैं मच्छी पकड़ के लाए हैं तो उन्हें दिखाऊंगा मेहमान आए हैं तो इनके लिए पनीर है ये मांस खाने वाली है नहीं खाती मांस क्यों मैंने दादाजी को रोटी भी दे दी है दादाजी हमारी रोटी खाते हुए हरी सब्जी दादाजी के लिए स्पेशल बनी है दूध के साथ तो दिखाते हैं मच्छी और पनीर मच्छी के लिए जो है चाची क्या है ये रोड है रोड वगैरह है ये रोड जो लहसुन जो सब मिक्स है इसमें धनिया जो हाँ पनीर पनीर दिखाते हैं आपको चाचा जी ने स्पेशल बनाए हैं जैसे मैंने बताया हमारे चाचा जी शेफ हैं गैरसन में दुकान है चाचा जी की मच्छियाँ देखो इतनी सुंदर सुंदर मच्छियाँ कि पूछो मत माता जी यहाँ तब तक रोटी की व्यवस्था करती रही आटा हमने गूंध दिया था गूंधा ना हमने कई लोग बोल रहे हैं आपने जो लास्ट वीडियो में जो केले में रोटी खाई थी बहुत अच्छा लगा देख के दोबारा इस बार लेकिन केले में मत खाना इस बार पोलम में हाँ पोलम में खाना ठीक है पहले इधर कुछ देर बाद अपना भी खाना बन गया है दादाजी को खाना दे दिया है और फिर बघेला को भी खिलाना है मिलते हैं कल के ब्लॉग तक आप टेक केयर अपना ध्यान रखना फैमिली का खुद का सबका और इन्जॉय द मोमेंट इन्जॉय अच्छे पल जो भी हैं बाय 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 रुपए के बारे में पहले क्या लगता है आपने सबसे पहले क्या लगा डोया बोला कोई दिक्कत नहीं सबसे पहले क्या लगा यू सबसे गेहूं हां गेहूं कहो छु अरे तू मूली लगा लगा सबसे पहले गेहूं उसके बाद हल अरे नहीं ये क्या है ये रुपाई यू 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 को है ना हल